हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप घर बैठे ही केवीएस पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, और हर एक स्टेट के पीजीटी टीजीटी की तैयारी घर बैठे ही। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको उत्तराखंड एलटी और उत्तराखंड लेक्चरर की इसमें तैयारी का हर एक टॉपिक मिलेगा। और आज का जो टॉपिक है हमारा है वो है परम्यूटेशन। तो बात करते हैं परम्यूटेशन होता क्या है, हम इसमें बात करेंगे। परम्यूटेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन, इनवर्स ऑफ परम्यूटेशन, और ट्रांसपोजिशन से क्या होते हैं, इवन ट्रांसपोजिशन क्या होते हैं, ऑड ट्रांसपोजिशन क्या होते हैं, तो हर एक चीज़ की बात करेंगे यहाँ पर। को तो सबसे पहले परम्यूटेशन पढ़ने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि वन वन ऑन टू मैपिंग क्या होती है उसके बारे में। देखो, वन वन ऑन टू मैपिंग क्या होती है, सबसे पहले तो वन वन मैपिंग का मतलब क्या होता है। जैसे कोई एक, मान ले जाए मैंने एक सेट लिख दिया, कोई सेट लिख दिया एक्स, और एक्स से वाई पर कोई एक मैपिंग है मेरे पास। एक्स में मान लीजिए मेरे पास है 1 2 3, यहाँ मेरे पास ए बी सी। तो वन वन मैपिंग का मतलब क्या हुआ, एक का एक पर, एक का एक पर, एक का एक पर, और ऑन टू का मतलब हो गया ये वाई पूरा का पूरा भरा हुआ आना चाहिए। और मैं एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ जानता हूँ, अगर कोई मैपिंग मेरे पास फाइनाइट सेटों में हो रही है और वह वन वन है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई मैपिंग फाइनाइट सेटों में है और वन वन है, तो इसका मतलब वो 100% मेरे पास क्या होगी, ऑन टू होगी। अगर कोई मैपिंग ऑन टू है फाइनाइट सेटों में है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, वो वन वन मैपिंग होगी। इतना तो हम जानते ही हैं। तो आज हम बात करेंगे परम्यूटेशन की। सबसे पहले जब हम 11th में होते हैं तो बेसिक लेवल ऑफ परम्यूटेशन की बात करूंगा, मैं बिल्कुल बेसिक की बात कर रहा हूँ। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे परम्यूटेशन का मतलब होता है कि हिंदी में हम इसको नाम बोलते हैं परम्यूटेशन, हिंदी में नाम होता है इसका क्रमचय। मतलब हमको क्रम बनाने के, कैसे क्रम बनाते हैं, एक क्रमचय होता है, एक होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय, संचय। अब देखो, परम्यूटेशन क्रमचय का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास ए और बी है, क्या ए और बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, या तो ए बी लिख सकता हूँ या फिर मैं लिख सकता हूँ बी ए। मतलब कुल मिलाकर के मैं क्रम बनाना, इनके क्रमों का चयन करना ही मेरे पास परम्यूटेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 2 3 है, 1 2 3 को मैं कितने प्रकार से लिख सकता हूँ, 1 2 3 को मैं या तो 1 2 3 लिख सकता हूँ, या फिर मैं लिख सकता हूँ 3 2 1 लिख सकता हूँ, या 2 3 1 लिख सकता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ 3 1 2 लिख सकता हूँ, या 1 3 2 लिख सकता हूँ, या 2 1 3 लिख सकता हूँ। तो इस टाइप का मेरे पास जो होता है क्रमों का चयन करना ही मेरे पास क्रमचय कहलाता है। ये हमने बेसिक लेवल का पढ़ रखा था। उसका फॉर्मूला कितना होता है, NPR, ये मेरे पास फॉर्मूला था, और इसको हम लिखते थे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ये हमने पढ़ रखा था 11th में। पर अब हमको इस परम्यूटेशन में हमने पढ़ना है कि ये बीएससी लेवल का परम्यूटेशन होता क्या है, तो सुनेंगे हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास है, जैसे मेरे पास कहता है परम्यूटेशन जो, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे अभी एक बार और हम समझते हैं परम्यूटेशन। जैसे मेरे पास था ना 1 2 3 था, तो इस 1 2 3 को मैंने क्या लिख दिया, 3 2 1 लिख दिया। देखो 1 2 3 था तो 3 2 1 लिखा, तो 1 की जगह तो मैंने कितना रखा, 3 रखा, 2 की जगह 2 ही रखा, तो 3 की जगह मैंने 1 रखा। तो कुल मिलाकर के ना मैंने 1 2 3 को कैसे लिख दिया, 3 2 1 लिख दिया। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, 1 की जगह 3 लिखा, 2 की जगह 2 लिखा, 3 की जगह 1 लिखा, तो ये 1 1 बना रहा है कि नहीं। मान अब इसको चलो मैं एक सेट के रूप में लिख लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 2 3, यहाँ लिखा मैंने कितना, 3 2 1, एक एफ मैपिंग कह दी, 1 की जगह तो 3 लिखा, 2 की जगह 2 ही लिखा, 3 की जगह 1 लिखा। तो इसका मतलब ये ऐसी मैपिंग थी जो 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के परम्यूटेशन क्या है, एक मैपिंग है जो 1 1 भी होगी, ऑन टू भी होगी। जैसे मैंने इस 3 2 1 की जगह अब दोबारा से लिख दिया 2 3 1 लिख दिया, ये देखिए 2 3 1 लिख दिया, 2 3 1, 2 की जगह 3 लिख दिया, 1 की जगह 1 लिख दिया, 3 की जगह 2 लिख दिया। तो क्या है, परम्यूटेशन इज द मैपिंग। साफ साफ देखेंगे, लेट एक्स बी द नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, एक्स कोई मेरे पास फाइनाइट सेट होना चाहिए। अ मैपिंग वन वन, वन वन ऑन टू मैप एफ एक्स टू एक्स इज कॉल्ड द परम्यूटेशन। जो परम्यूटेशन क्या होता है, इस एक्स पर एक मैपिंग होगी, वन वन ऑन टू मैपिंग होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो लिखा है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फाइनाइट सेट इज नोन एज द डिग्री ऑफ परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन की डिग्री का मतलब क्या हो गया कि उसमें कितने नंबर हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई, मैं परम्यूटेशन जैसे अभी यहीं पर को बना रहा था, इसका परम्यूटेशन बना रहा था 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 सेट था मेरे पास, इसका मैं परम्यूटेशन बना रहा था, तो इसमें कितने एलिमेंट थे मेरे पास, कितने थे, 3 एलिमेंट थे। तो यही 3 एलिमेंट हैं, तो डिग्री ऑफ परम्यूटेशन मेरे पास क्या कहलाएगा, जितने इस एक्स में मेरे पास परम्यूटेशन, जितने भी एक्स में एलिमेंट होंगे, यही मेरे पास कहलाएगा डिग्री ऑफ परम्यूटेशन कहलाएगा। अब मेरे पास आता है सिंबल ऑफ परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का सिंबल क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास एक्स ए1 ए2 ए3 एn तक का मेरे पास एक मैपिंग है, एक्स विद एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट एफ
लेट एफ बी द परम्यूटेशन एक्स। अब देखिए एफ ए बी लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर से द एलिमेंट बी वन बी टू बी थ्री आर नथिंग बट द रीअरेंजमेंट ऑफ एक्स। अब देखिए तो यहाँ पर वो क्या लिख रखा है मेरे पास, ये जो ये बी वन बी टू, सबसे बिल्कुल ध्यान से समझते हैं चीज़ों को, अच्छी तरीके से समझेंगे। तो मेरे पास क्या लिख रखा है ना, ये एफ, जैसे ये एफ ए आई है इक्वल टू बी आई, तो इसका मतलब एफ ए वन की जगह कितना है बी वन, एफ ए वन की जगह जो ये एफ ए वन लिखा है, ये एफ ए वन ही नहीं, ये मेरे पास है बी वन है, कुछ और नहीं है। जो ये ए टू है और यहाँ पर कोई लिखा है ए टू, अभी एफ ए ए टू हो जा रहा है, और एफ ए टू कुछ और नहीं, मेरे पास कितना है बी टू है। अब है मेरे पास ए थ्री है, जैसे एफ ए थ्री, एफ ए थ्री बी थ्री होगा, एफ ए थ्री जो है वो मेरे पास कितना है बी थ्री, ऐसे चलते चलते। जो इसका मतलब ना कॉम्बिनेशन मेरे पास कुल मिला करके क्या है ना, देखो जो ये बी वन बी टू बी थ्री जितनी भी आ रहे हैं, ये कुछ और नहीं है, ये रीअरेंजमेंट ऑफ एक्स है, एक्स का रीअरेंजमेंट ही है। जैसे यहाँ पर को मैंने लिख रखा था एफ, मेरे पास था वन टू थ्री था, तो इसकी जगह मैंने कितना लिख दिया था थ्री टू वन लिख दिया था, तो इसका मतलब ये जो एक्स है ना इधर साइड का, यही तो मेरे पास ये बी वन, ये मेरे पास ये है ए वन है, ये मेरे पास ए टू है, और ये मेरे पास कितना है ए थ्री है, ये थ्री है, ये मेरे पास है बी वन है, ये मेरे पास है बी टू है, ये मेरे पास कितना है बी थ्री है। ये जो बी वन बी टू बी थ्री है ये कुछ और नहीं है, रीअरेंजमेंट ऑफ एक्स है, देख लो इसी वन टू थ्री का मेरे पास क्या है, रीअरेंजमेंट है। क्लियर हो गया? तो मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूँ, और जैसे ही मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ तो मेरे पास नई नई चीज़ें आती रहती हैं। सबसे पहले मेरे पास बात करता है जैसे लेट एफ एंड जी, लेट लेट द परम्यूटेशन एफ एंड जी ऑन सेट, कोई एक सेट है मेरे पास, एक दो तीन चार है, इसमें जो परम्यूटेशन है वो इस प्रकार से गिवन किए गए हैं, वन का तो थ्री पर चला गया, टू टू की जगह फोर आ गया, थ्री की जगह वन आ गया, फोर की जगह टू आ गया, वन की जगह फोर आ गया, टू की जगह वन आ गया, थ्री की जगह टू आ गया, फोर की जगह मेरे पास आ गया थ्री। तो देखो एफ वन कुछ और नहीं, ये वन, ये जो थ्री है ये एफ वन होगा, ये जो फोर है ये मेरे पास कितना होगा एफ टू होगा, ये वन है वो कितना होगा मेरे पास एफ थ्री होगा, ये जो फोर है यहाँ पर, ये जो टू है वो टू कुछ और नहीं, मेरे पास क्या होगा एफ फोर होगा। अब देखो ये थ्री फोर वन कुछ और नहीं, रीअरेंजमेंट ऑफ वन टू थ्री फोर है। क्लियर हो गया? दो परम्यूटेशन इक्वल कब होंगे, इक्वलिटी ऑफ परम्यूटेशन, दो परम्यूटेशन कब होंगे, जैसे जैसे यहाँ पर को देखेंगे जैसे वन की इमेज टू है, तो यहाँ भी जी और एफ और जी इक्वल कब होंगे, लेट एफ एंड जी आर द टू परम्यूटेशन, एफ और जी इक्वल कब होंगे, जब वन की इमेज टू यहाँ पर को भी है और यहाँ भी वन की टू पर है, टू की फोर पर है, यहाँ पर की टू की फोर पर है, थ्री की थ्री है, थ्री की थ्री है, फोर की वन है, फोर की वन यहाँ भी है, तो इसका मतलब दोनों परम्यूटेशन मेरे पास क्या है इक्वल है। अब आता है इंपॉर्टेंट नोट, आता है इंपॉर्टेंट नोट मेरे से क्या कहता है, मान लीजिए कोई मेरे पास एक परम्यूटेशन है ए वन बी वन ए टू बी टू, कैन बी रिटन एज द सेवरल वे, हम इनको बहुत प्रकार से लिख सकते हैं, द इंटरचेंज द कॉलम नॉट चेंज द नेचर ऑफ परम्यूटेशन। अगर मैं इनके कॉलमों का, कॉलम मतलब हम जानते हैं मैट्रिक्स में हमने पढ़ रखा है, जो ऐसे वर्टिकली होते हैं ये मेरे पास कॉलम कहलाते हैं, और जो ऐसे हॉरिजॉन्टली होते हैं ये मेरे पास क्या कहलाते हैं, रो कहलाते हैं। अभी अगर मैं कॉलमों को चेंज करता हूँ तो मेरे पास परम्यूटेशन में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन। अब जानता हूँ डिस्टिंक्ट मेरे पास कोई एक परम्यूटेशन है अलग अलग प्रकार का, देखो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, लेट एक्स बी द सेट ऑफ कंसिस्टिंग एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, एक्स में मेरे पास एन अलग अलग एलिमेंट हैं, तब मेरे पास जो एलिमेंट एक्स कैन बी परम्यूटेड इन एन फैक्टोरियल डिस्टिंक्ट वे। तो इसका मतलब ना, जो इस एक्स पर जो परम्यूटेशन बनेंगे वो कितने बनेंगे, एन फैक्टोरियल बनेंगे। जैसे अभी हमने बात कर रखी थी, जैसे मान लीजिए मेरे पास, जैसे अभी एक एग्जांपल जो मैंने लिया था वो लिया था मैंने, ये मान लीजिए कोई सेट था वन टू थ्री था, तो इसमें परम्यूटेशन कितने बनेंगे, तीन है ना, अभी सेट है जो ये सेट है मेरे पास है वन टू थ्री, जो सेट है इसमें एलिमेंट कितने हैं तीन है, तो इसमें जो परम्यूटेशन बनेंगे वो मेरे पास तीन का फैक्टोरियल बनेंगे, तीन का फैक्टोरियल मतलब छः, तो देखो एक दो तीन चार पाँच छः मेरे पास क्या बन रखे हैं, परम्यूटेशन बन रखे हैं। तो किसी सेट पर कितने परम्यूटेशन होते हैं उसके फैक्टोरियल के बराबर परम्यूटेशन होते हैं। अब देखिए एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह रहा है, अब इसके आगे को हम बात करने वाले हैं। अभी मेरे कहा इफ पी एन इज द सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन, देन पी एन विल हैव द एन, ये तो पूरा ऊपर की लाइन कह दे रहा है। अब आ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है मेरे पास, ये क्या कह रहा है, द सेट पी एन, पी एन कोई सेट है इज कॉल्ड द सिमेट्रिक सेट, ये मेरे पास सिमेट्रिक सेट कहलाएगा, ऑफ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन, समटाइम्स इट ऑल्सो डिनोटेड बाई एस एन। जो मान लीजिए एक्स में एन एलिमेंट थे उस पर जितने भी परम्यूटेशन बनेंगे उसको सेट को बोलते हैं सिमेट्रिकल सेट। जैसे कि हमने अभी अभी हमने बात कर रखी थी, एक बार और हम एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है। मान लीजिए इस
टोटल बात मेरे से ऐसा कहना चाहता है, कोई एक सेट एक्स है, एक्स में मान लीजिए मेरे पास 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब इसमें कितने परम्यूटेशन होंगे, 3 का फैक्टोरियल मतलब कितने, 6 परम्यूटेशन। और वो परम्यूटेशन क्या क्या बनेंगे, एक तो 1 2 3 बनेगा, एक मेरे पास कितना बनेगा 3 2 1। इनका इनका क्रम चाहिए, इनके क्रमों का चयन कैसे करता हूँ, परम्यूटेशन कहलाता है। 2 3 1 बनेगा, फिर आएगा 3 1 2 आएगा, फिर मेरे पास आ जाएगा कितना 1 3 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 1 3। तो जो इनका पूरा का पूरा जो मैंने सेट बना दिया ना, उसको मैं बोलता हूँ पीएन, और यही सेट मेरे पास कहलाता है सिमेट्रिकल सेट। क्लियर हो गया, ये जो सेट कहलाता है मेरे पास सिमेट्रिकल सेट कहलाता है। अब जैसे एग्जांपल है मेरे पास, देखिए हम समझते हैं, द सेट पीएन ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ डिग्री 3, कोई एक पीएन है ऑल परम्यूटेशन, P3 है, P3 लिख रखा है, P3 इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 एलिमेंट का परम्यूटेशन, डिग्री 3 कोई सेट है, उसमें मेरे पास जैसे मैंने लिख रखा था एक्स इजिकल टू, यहाँ पर होगा मेरे पास एक्स इजिकल टू 1 2 3, कोई मेरे पास एक सेट है, और इस सेट में मेरे पास जो परम्यूटेशन बनेंगे वो कितने बनेंगे, 6 परम्यूटेशन बनेंगे। और वो 6 परम्यूटेशन ऐसे बनेंगे कि इस एक की जगह में एक, एक की जगह दो, एक की जगह तीन, ये तो पहला परम्यूटेशन, अब इसे एक की जगह तीन लिख सकता हूँ, दो की जगह दो लिख सकता हूँ, तीन की जगह एक लिख सकता हूँ। तो इस टाइप के मेरे पास कितने बनेंगे, 6 परम्यूटेशन बनेंगे। क्लियर हो गया, समेट अभी तक का हमने बात की है, परम्यूटेशन क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ परम्यूटेशन, परम्यूटेशन का अगर मैं कॉलम बदल देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मेरे पास आता है कि एक सिमेट्रिकल सेट। सिमेट्रिकल सेट का मतलब क्या हो गया, अभी अभी हमने बात कर ली थी। तो अब हम बात करते हैं आइडेंटिकल परम्यूटेशन। आइडेंटिकल परम्यूटेशन का मतलब, जैसा आइडेंटिटी फंक्शन होता है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे 1 का 1 पर होगा, 2 का 2 पर, मतलब हर एक की इमेज उसी पर। इफ द परम्यूटेशन आई ऑफ डिग्री एन, एन डिग्री का है परम्यूटेशन, तो इसका मतलब एन एलिमेंट है, इस सज दैट आई इमेज ऑफ आई आई इमेज मतलब आइडेंटिकल इमेज, आइडेंटिकल मतलब सेम इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट इन द सेम, सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट की ही सेम इमेज बनेगी। जैसे 1 की इमेज 1 पर, 2 की इमेज 2 पर, 3 की इमेज 3 पर, और एन की इमेज एम पर, मतलब सेम इमेज बनना। जैसे A1 की इमेज A1 पर, A2 की इमेज A2 पर, B1 की इमेज BN पर, B1 की इमेज B1 पर, C1 B2 की इमेज B2 पर, मतलब सेम एलिमेंट की सेम इमेज बनना आइडेंटिकल परम्यूटेशन कहलाता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इनवर्स परम्यूटेशन क्या कहलाता है, जैसे अभी मैंने बात की कोई भी, और हमें जानता हूँ सबसे पहले तो कोई भी फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है, तो इसका मतलब वो मेरे पास क्या होता है, इनवर्टिबल भी होता है, सेम टू सेम ये फंक्शन का ही कॉन्सेप्ट है। मान ले जाए एक परम्यूटेशन है मेरे पास, वो परम्यूटेशन ऐसे लिख रखा है, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 3 2 1 है, तो इसका मतलब एक परम्यूटेशन है, 1 की जगह 3 लिया है, 2 की जगह 2, इसकी जगह 3, 1 1 ऑन 2 है, तो इसका मतलब इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। और इसका सीधे सीधे जो इनवर्स होगा वो कुछ नहीं, ये नीचे वाली जो लाइन है इसको तो ऊपर लिख देना है, और ऊपर वाली लाइन को मैंने कहा नीचे साइड लाना है। कुल मिलाकर के इस टाइप की चीजें, जैसे फंक्शन में बात करते थे, ये 1 2 3 है, ये मेरे पास कितना है 3 2 1 है, 1 की इमेज 3 पर, इसकी इमेज इस पर, इसकी इमेज में, अगर मेरे को उल्टा जाना है तो इसका मतलब क्या, 3 से मैं कहाँ जाऊंगा, 1 में जाऊंगा, 2 से कहाँ जाऊंगा, मैं 2 में जाऊंगा, और 3 से 1 पर, 2 से 2 पर, और 1 से कहाँ जाऊंगा, मैं 3 पर जाऊंगा। तो इस टाइप की जो मेरे पास जो मैपिंग बनती है इसको बोलते हैं हम 1 1 ऑन 2 मैपिंग है। अगर 1 1 ऑन 2 मैपिंग है तो इसका मतलब उसका इनवर्स भी होगा, इनवर्स का मतलब अभी मैं उल्टी की तरफ चले जाऊंगा यहाँ से यहाँ, तो यही चीज मैंने लिख रखी है। अगर इस एफ का इनवर्स से 1 2 3 की ऊपर वाली लाइन तो कहां जाएगी, नीचे आ जाएगी, नीचे वाली लाइन कहां चले जाएगी, ऊपर चले जाएगी, इनवर्स कहलाएगा। क्लियर हो गया, अब बात करते हैं चलो एक कुछ प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन। अब समझाता हूं प्रोडक्ट होता क्या है। सबसे पहले जैसे एक मेरे पास क्वेश्चन है, अब मैं इस क्वेश्चन को लेता हूं, ये इसमें हम प्रोडक्ट भी समझेंगे और सब चीजों को क्लियर करेंगे। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन मेरे पास कहता है एक एफ है मेरे पास, एफ एफ है, एफ इजिकल टू है मेरे पास, एफ इज इक्वल टू है 1 2 3, और यहाँ पर से है कितना 3 1 2, और मेरे पास है जी, जी इज इक्वल टू है मेरे पास है 1 2 3, और मेरे पास है कितना 1 3 2। चलो हम बात करते हैं इसमें, मैं निकालता हूँ, मेरे से क्या कह रहा है, लेट आई बी द आइडेंटिकल परम्यूटेशन, फाइंड द, मेरे से क्या कह रहा है, एक तो जी एफ निकालना है, जी एफ, और एक निकालना है एफ जी निकालना है, फिर मेरे को एफ इनवर्स निकालना है, और मेरे को जी इनवर्स निकालना है, और मेरे पास एंड वेरीफाई करना है कि एफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी, जी इनवर्स इज इक्वल टू मेरे पास होता है आइडेंटिकल। सबसे पहले तो आइडेंटिकल परम्यूटेशन की बात कर रहा है, आइडेंटिकल परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सेम एलिमेंट की सेम इमेज। चलो हम बात करते हैं, सबसे पहले एफ इंटू जी निकालते हैं, एफ इंटू जी परम्यूटेशन, दो परम्यूटेशन का मैं इंटू कर रहा हूँ, एफ इंटू जी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले लिखा मैंने एफ, लिखा 1 2 3, यहाँ लिखा मैंने 3 2 1, अब मेरे को इंटू जी करना है, जी का मतलब कितना हो गया 1 2 3, और यहाँ से हो गया 1 3 2। देखो वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस है, जो हम वहाँ कॉम्बिनेशन करते थे दो फंक्शंस का, तो
निकालते हैं, चलो एफ इंटू जी ऐसे निकालते हैं। तो ध्यान से देखो, वन किस पर गया, इमेज थ्री पर गई है, थ्री की इमेज किस पर गई है, टू की, टू पर। तो यहाँ पर से ये वन की इमेज भी किस पर चली जाएगी भैया, टू पर चली जाएगी। तो एफ इंटू जी कितना आ गया, वन की जगह वन की इमेज कहाँ गई, टू पर गई। देखो अब मैं बात करता हूँ, टू की इमेज वन पर गई, और वन की इमेज किस पर गई, वन पर गई। तो इसका मतलब इस टू की इमेज कहाँ पर चली जाएगी, इस वन पर आ जाएगी। अब बचा थ्री, थ्री की इमेज टू पर गई है, टू की इमेज किस पर गई है, थ्री पर। तो थ्री की इमेज किस पर गई है, टू की पर। तो एफ इंटू जी आ गया मेरे पास ऐसा। तो अब निकालते हैं यहाँ पर से जी इंटू एफ निकालते हैं। जी इंटू एफ का मतलब कितना हो जाएगा, जी तो मेरे पास क्या है, वन टू थ्री, यहाँ पर वन थ्री टू, और एफ मेरे पास कितना है, वन टू थ्री, फिर आ जाएगा थ्री वन टू। तो यहाँ पर से हो जाएगा मेरे पास जी ऑपरेशन एफ, जी इंटू एफ इंटू, मेरे पास मल्टीप्लीकेशन करना है दो परम्यूटेशन का। तो देखो वन की इमेज तो किस पर गई है, वन, और वन की इमेज थ्री पर, तो इस वन की किस पर चले गई, थ्री पर चलेगी। टू की तो किस पर गई है, थ्री पर, और थ्री की टू पर, तो टू की इमेज किस पर चलेगी, टू पर चलेगी। थ्री की तो टू पर गई है, टू की वन पर गई है, तो थ्री की किस पर चले गई, वन पर चले गई। तो ये निकला एफ इंटू जी। और हम यहाँ पर से देख रहे हैं कि एफ इंटू जी इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू एफ इंटू जी इज नॉट इक्वल टू जी इंटू एफ, मतलब दो दो परम्यूटेशन का प्रोडक्ट मेरे पास कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं एफ, मेरे पास आया है एफ, अब मैं निकालता हूँ एफ इनवर्स। तो मेरे पास जो आया था वो मेरे पास था भैया एफ, तो मेरे पास क्या था, वन टू थ्री, यहाँ पर से हो जाएगा थ्री वन टू। अब देखो जो मैपिंग है, वन 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 टू मैपिंग है, तो इसका मतलब है यहाँ इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा कर देना। अब इसका जैसे वहाँ भी जैसे हम इनवर्स में पढ़ते थे फंक्शन में, जो रेंज होती थी, रेंज को डोमेन को में लिखते थे, डोमेन को रेंज में लिख देते थे। तो चलो फिर ये मेरे पास है रेंज है, इन रेंज को लिख दो डोमेन में, और जो डोमेन है इनको लिख दो भैया कहाँ पर, को रेंज में। तो ये मेरे पास हो गया एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स को थोड़ा सा अच्छे तरीके से और लिखता हूँ। चलो अब सीधे सीधे क्या अच्छे से लिखें, सीधे सीधे एफ इंटू एफ इनवर्स करते हैं। तो वन का तो थ्री पर है, थ्री का कहाँ है, वन पर है। तो वन का किस पर हो जाएगा भैया, वन पर हो जाएगा। तो टू का तो वन पर है, टू का तो वन पर है, वन का टू पर है, तो टू का किस पर हो जाएगा, टू पर हो जाएगा। थ्री का तो टू पर है, टू का किस पर है, थ्री पर, तो थ्री का किस पर हो जाएगा, थ्री पर हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास एफ इंटू एफ इनवर्स। और देखो एफ इंटू एफ इनवर्स मेरे पास कितना आया, आइडेंटिटी आया है। क्लियर हो गया? अब ये था मेरे पास है मल्टीप्लीकेशन निकालना, मल्टीप्लीकेशन हमने सीख लिया है। अब हम बात करते हैं एफ इनवर्स निकालना, इनवर्स भी हमने सीख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे मेरे पास जो आता है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, पूरा इस परम्यूटेशन में जो टिका हुआ है, ये मेरे पास आता है साइक्लिक परम्यूटेशन। अब बात करते हैं कि साइक्लिक परम्यूटेशन होता क्या है। देखो मेरे पास क्या कह रहा है ना, जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूंगा, आप डेफिनेशन आप खुद पढ़िए, खुद समझिए, फिर उसके बाद कोशिश करते हैं कि पहले पहले एग्जांपल से समझ लेंगे। चलो जैसे मेरे पास ऐसा लिख रखा है, द परम्यूटेशन विच रिप्लेस एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट हैं जितने भी, मान लीजिए एन की जगह वन टू थ्री जितने भी रिप्लेस कर रहा हूँ, उनको रिप्लेस करूंगा साइक्लिकली, उनको साइकिल के रूप में रिप्लेस करूंगा। साइकिल का मतलब क्या हो गया कि पहले वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, तो फिर वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फिर वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, एक साइकिल के रूप में चलते रहना। तो साइक्लिकली अगर मैं रिप्लेस्ड करता हूँ तो वही मेरे पास साइक्लिक परम्यूटेशन कहलाता है। जैसे मेरे पास क्या रहता है एग्जाम्पल में, हम एग्जाम्पल में बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। एग्जाम्पल अगर होते हैं मेरे पास तो उसमें हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है। एग्जाम्पल कह रहा है वन टू थ्री, टू थ्री वन इज द, मेरे पास क्या कह रहा है, एक साइक्लिक परम्यूटेशन है ऑफ लेंथ थ्री। चलो बात पर है क्या, देखो ये वन का तो टू पर है, यस वन का किस में, टू पर है, टू का किस पर है, थ्री पर है, इस थ्री का किस पर है, वन पर है। तो इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, तो इसका मतलब दिस इज द साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ डी ऑफ लेंथ थ्री, थ्री लेंथ का है, और यह परम्यूटेशन है कितने डिग्री का, तीन डिग्री का। क्लियर है? जैसे मेरे पास ये है, देखो वन का टू पर है, टू का थ्री पर है, थ्री का फोर पर है, फोर का वन पर है, वन का फिर टू पर है, तो एक साइकिल बन रही है। तो इसका लेंथ कितनी है, वन टू थ्री फोर, कॉमा नहीं लगाते हैं, वन टू थ्री फोर। तो साइक्लिक परम्यूटेशन क्या हो गया, साइक्लिक में, साइक्लिक परम्यूटेशन में साइकिल बनेगी, और जितनी की साइकिल बन रही होगी वही मेरे पास क्या कहलाएगा भैया, लेंथ ऑफ साइक्लिक परम्यूटेशन कहलाएगा। चलो अब हम आगे को बढ़ते हैं। जैसे मान लिया जाए सैम्पल ऑफ साइक्लिक परम्यूटेशन, सैम्पल वही बात कह रहा है, जैसे डिनोटेड बाय साइक्लिक परम्यूटेशन, ये मेरे पास कोई परम्यूटेशन है साइक्लिक है, तो इसका मतलब वो एक ए का वो ए टू पर, ए टू का ए थ्री पर, और ए एन पर, ए एन का ए वन पर, एक साइकिल बन रही है इस टाइप की। तो अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास क्या कह रहा है, जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट एक नोट आ रहा है, नोट को समझते हैं। चलो जैसे एक ये है मेरे पास एक एग्जाम्पल लिखा है, वन का वन पर, टू का टू पर, तो ये देखो ये एक ये भी साइकिल है, वन का वन पर, फिर वन का वन पर, वन का वन पर, तो
छोटी लेंथ वन की साइकिल है, इसको हम निगलेक्ट करते हैं, इसको कभी लिखते नहीं है। जैसे एक एग्जांपल से हम क्लियर समझते हैं चीज़ों को इसी से। जैसे मेरे पास लिख रखा है 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 4, तो 1 का 1 पर है, 2 का 2 पर है, 3 का 3 पर, ये साइकिल हम लिखते नहीं है। असली साइकिल हमारे पर बनी गया, कभी भी जो साइकिल लिखते हैं वो लेंथ 2 से लिखना शुरू करते हैं। 4 बनी, फिर उसके बाद कितना बना, 5 बना, फिर उसके बाद कितना बना, 6 बना, 4 का 5 पर, 5 का 6 पर, 6 का 4 पर, फिर 4 पर 4 का 5, तो ये मेरे पास एक साइकिल बनी। ये लेंथ है कितनी है, 3 लेंथ की। और ये परम्यूटेशन कितने डिग्री का था मेरे पास, कितने, 1 2 3 4 5 6 6 डिग्री का मेरे पास क्या था, परम्यूटेशन था। अब आता है मेरे पास सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन। अभी अभी मैंने बताया था सिमेट्रिक ग्रुप क्या था, सिमेट्रिक ग्रुप का मतलब क्या था, एक सेट पर जितने परम्यूटेशन बन रहे होंगे वही मेरे पास सिमेट्रिक ग्रुप कहलाएगा, और सिमेट्रिक सेट कहलाएगा। अब सिमेट्रिक सेट, अगर परम्यूटेशन का जो सिमेट्रिक सेट होता है वो मेरे पास एक ग्रुप बनाता है, और एबिलियन ग्रुप नहीं बनाता है, खाली ग्रुप बनाता है। और एबिलियन ग्रुप अभी अभी मैंने दिखाया था कि 2 परम्यूटेशन का जो इनटू था वो कम्यूटेटिव नहीं था। तो यहाँ से एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो सबसे पहली बात तो सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, सिमेट्रिक ग्रुप का सबसे पहले तो बात है सिमेट्रिक सेट क्या होता है। सिमेट्रिक सेट का मतलब क्या हो गया कि किसी भी सेट पर जितने परम्यूटेशन बने होंगे वही मेरे पास क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक सेट। और किसी भी सेट पर कितने परम्यूटेशन बनते हैं, एन फैक्टोरियल परम्यूटेशन बनते हैं, साफ साफ जैसे कि हम अभी हमने बात की हुई थी। तो अब मेरे से क्या कह रहा है कि जो परम्यूटेशन का सिमेट्रिक सेट होता है ना, वो मेरे पास सिमेट्रिक ग्रुप बनाता है, सिमेट्रिक एबिलियन ग्रुप नहीं बनाता है, क्योंकि अभी अभी हम बात की थी कि कॉम्यूटेटिव 2 परम्यूटेशन का इनटू कॉम्यूटेटिव नहीं था। तो इसी में बात करेंगे अब आगे, जब मेरे से क्या कहता है, द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन द सेट पी एन ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन, मान लीजिए कोई पी एन एक सेट है ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन, डिग्री एन के सभी परम्यूटेशन का, मान लीजिए 3 3 डिग्री होती तो कितने हो जाता, P3 हो जाता। तो फॉर्म है फाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप, देखो नॉन एबिलियन ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कंपोजिशन, ठीक हो गया। अंडर मल्टीप्लीकेशन के अंदर मेरे पास क्या साफ साफ लिखता है, अगर कोई एन डिग्री का सेट है उस पर पी एन परम्यूटेशन होंगे तो वह है मेरे पास नॉन एबिलियन ग्रुप बनाएगा, खाली ग्रुप ही ग्रुप बनाएगा, एबिलियन ग्रुप नहीं होगा अंडर मल्टीप्लीकेशन के अंदर। तो अब बात करते हैं परम्यूटेशन रिप्रेजेंट्स बाय द साइक्लिक। अब जैसे मेरे को एक एग्जांपल दे रखा है कि सपोज मेरे से क्या रखा है, 1 2 3 4 मेरे पास है एक साइकिल है, 1 2 3 4 ये मेरे पास साइकिल है, इसको रिप्रेजेंट करना है अ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री 7, 7 डिग्री के परम्यूटेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए 7 है तो इसका मतलब कोई सेट होगा, उसमें एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 और 6 और जाके 7, और उसमें साइकिल बन रही है कितने पर, 1 का 2 पर, 2 का 3 पर, 3 का 4 पर, 4 का 1 पर, तो बचा गया फिर मेरे पास 5 का 5 पर, 6 का 6 पर, 7 का 7 पर। रिप्रेजेंट करते हैं किसी साइकिल को परम्यूटेशन के रूप में ऐसे। और ये तो था मेरे पास साइकिल से परम्यूटेशन, कैसे था, साइकिल से परम्यूटेशन था, साइकिल से परम्यूटेशन था। और यहाँ पर से अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो यहाँ से जाऊँगा परम्यूटेशन से साइकिल, ये मेरे पास साइकिल होती है। एक बार और बता दूँ, जितने भी परम्यूटेशन में एलिमेंट होते हैं उसे परम्यूटेशन की डिग्री कहते हैं, और जितना मेरे पास साइकिल में एलिमेंट होंगे उसे क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ साइकिल। क्लियर हो गया। अब बात आती है जैसे कि, और एक चीज़ मैं जानता हूँ, अब यहाँ पर कोई एक नोट लिख रखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द साइकिल रिमेन अनचेंज बाई चेंजिंग द पोजिशन ऑफ इट्स एलिमेंट प्रोवाइडेड देयर साइकिल ऑर्डर इज नॉट चेंज। अगर मैं साइकिलों का ऑर्डर चेंज करता हूं तो इसका मतलब देखो, द साइकिल रिमेन अनचेंज, साइकिल रिमेन अनचेंज, चेंज नहीं होती है बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ इट्स एलिमेंट, अगर मैं उनके एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करता हूं तो साइकिल चेंज नहीं होगी। ऑफ इट्स एलिमेंट प्रोवाइडेड दिया साइकिल ऑर्डर इज नॉट चेंज, जैसे लिखा 1 2 3, 1 2 3 की जगह तुम 2 3 1 लिख दो तो इसका मतलब साइकिल चेंज नहीं होगी, वो साइकिल वैसी की वैसी ही रहेगी। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डिसजॉइंट साइकिल। दो साइकिलें डिसजॉइंट कब होती हैं, जब उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, जैसे वहाँ 1 2 है तो यहाँ 5 6 है तो डिसजॉइंट है, ये भी डिसजॉइंट हो गए। ऐसे ही मेरे पास के जैसे 1 3 5 है और यहाँ 5 4 1 है तो ये नॉट डिसजॉइंट होंगे, क्योंकि 1 और 1 इसमें मेरे पास एक क्या कॉमन एलिमेंट आ चुका है। तो अभी तक की जो हमने बातें की थी इनका रिविजन एक बार आप कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और फिर हम आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब लिखे हैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइकिल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइकिल तो हमने कर लिया है, तो मेरे पास अब एक एग्जांपल है, सपोज द साइकिल 2 3 4 5 3 1 2 रिप्रेजेंट्स द परम्यूटेशन ऑफ डिग्री 6, एक 6 डिग्री के परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। तो चलो 1 2 2 3 4 लिखा है, 2 3 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 2, बस 2 3 4,
फाइव का थ्री, थ्री का वन, वन का टू, टू का फाइव, वन फाइव थ्री वन टू। अरे अब इनको इंटू करता हूँ मैं, चलो। और हाँ मेरे से क्या कह रहा है, पहले पूरे क्वेश्चन को समझते हैं। चलो इसको मैं ही बनाता हूँ इसको। मेरे से क्या कह रहा है, कोई एक साइकिल है मेरे पास है, टू थ्री फोर की है, और फोर थ्री वन टू, मेरे पास दो एक साइकिल हैं। तो मेरे से क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट्स द परम्यूटेशन ऑफ डिग्री सिक्स, मेरे पास सिक्स डिग्री का परम्यूटेशन रिप्रेजेंट्स करती है। तो सिक्स डिग्री का परम्यूटेशन रिप्रेजेंट्स करती है, तो इसका मतलब मेरे पास दो साइकिलों को इंटू करना होगा। तो कभी भी याद रखना, जो परम्यूटेशन में दो परम्यूटेशन आपस में हमेशा उनमें जो ऑपरेशन होता है, मेरे पास मल्टीप्लीकेशन होता है। परम्यूटेशन में कभी भी एडिशन ऑपरेशन वैलिड नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका केवीएस सीवीएस में, तो ध्यान रखिएगा। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ परम्यूटेशन मल्टीप्लीकेशन ही होता है। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। मेरे पास है टू थ्री फोर का, मेरे को कितने ऑर्डर का परम्यूटेशन बनाना था, सिक्स ऑर्डर का। तो इसको मैंने लिखा टू थ्री फोर, टू का थ्री पर, थ्री का फोर पर, फोर का टू पर, सिक्स ऑर्डर का बनाना है। तो इसका मतलब बच गया वन वन, टू टू थ्री, फोर फाइव फाइव, और फिर मेरे पास कितना बचा, सिक्स और सिक्स। तो अब हम बात करते हैं अगले की, और फाइव का थ्री, थ्री का तो मेरे पास वन, वन का तो टू, टू का तो कितना हो जाएगा फाइव, बच गया कितना, वन टू थ्री, फोर का फोर बच गया, और मेरे पास बच गया सिक्स। तो एक परम्यूटेशन बनाना है इन दोनों का जो रिप्रेजेंट करता है सिक्स डिग्री को। तो इसका मतलब इन दोनों को मुझे इंटू करना पड़ेगा। तो परम्यूटेशन जैसे ही आ गया, तो इसका मतलब मुझे इंटू करना है, एडिशन नहीं होता। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। तो चलो फिर मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो कितना हो जाएगा, टू का थ्री है, और इस थ्री का मेरे पास कितना है वन, तो इस टू का कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। थ्री का तो कितना है फोर है, तो फोर का कितना है मेरे पास फोर है, तो थ्री का कितना हो जाएगा भैया फोर हो जाएगा। फोर का तो टू है, फोर का तो कितना है टू है, और टू का कितना है फाइव है, तो यहाँ पर कितना हो गया फाइव। इस वन का तो वन है, और वन का कितना है टू है, तो इस वन का तो कितना हो गया टू। फाइव का तो कितना है फाइव है, और फाइव का कितना है मेरे पास थ्री है। सिक्स का तो कितना है सिक्स है, और सिक्स का भी मेरे पास कितना है सिक्स है। तो ये मेरे पास हो गया भैया, मैंने क्या कर दिया इनको इंटू कर दिया। अब इससे मुझे क्या लिखना है, इससे मुझे, ये मेरे पास परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन से मुझे साइकिल लिखनी है। तो परम्यूटेशन से साइकिल कैसे लिखूंगा, तो देखो टू का वन है, वन का टू है, तो इसका मतलब बस एक साइकिल तो बनी, टू और वन बनी, क्लियर। अब देख थ्री का फोर है, फोर का फाइव है, फाइव का थ्री है, फिर फोर है, तो मेरे पास बना थ्री फोर फाइव, एक परम्यूटेशन बना, और एक बना मेरे पास सिक्स। अब देखो जो आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है उसको लिखते नहीं है, क्यों, किसी भी एलिमेंट्स को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया, तो मैं जानता हूँ मेरे पास कितना आता है, एलिमेंट ही आता है। तो इसका मतलब मेरे पास जो इंटू करके आया वो इस टाइप से आया। अब देखो मैं ना अब एक चीज़ कर रहा हूँ, चलो अभी अभी बात करते हैं इसकी, अभी इसी एग्जाम्पल को मैं लूंगा, आगे को बात करूंगा आने वाली मेरे पास चीज़। अब मेरे पास क्या कह रहा है, द साइकिल ऑफ लेंथ वन रिप्रेजेंट्स द आइडेंटिकल परम्यूटेशन, ठीक हो गया। और द साइकिल ऑफ लेंथ वन आर नोट है, द साइकिल ऑफ लेंथ वन आर जनरली ओमिटेड, जो लेंथ वन होती है उसको हम हटा देते हैं। इन द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल द ऑर्डर ऑफ साइकिल कैन बी चेंज, साइकिल का ऑर्डर जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, इतना भी ठीक है। और जो इन्वर्स की बात आती है, चलो एक बार इन्वर्स की बात करते हैं किसी साइकिल के। मान लीजिए मेरे पास कितना है थ्री फोर फाइव, एक साइकिल है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, थ्री का तो फोर पर है, फोर का कितना है थ्री फोर फाइव, एक साइकिल है, तो इसका मतलब कितना होगा, थ्री का तो फोर पर होगा, परम्यूटेशन बना रहा हूँ, तो फोर का किस पर हो जाएगा फाइव पर हो जाएगा, और फाइव का किस पर हो जाएगा मेरे पास थ्री पर। ये मेरे पास बन गया क्या, परम्यूटेशन बन गया। तो अब मैं इसका इन्वर्स लिखता हूँ, तो बताओ इसका इन्वर्स क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, जो मेरे पास ये रेंज है वो तो डोमेन पर चलेगी, डोमेन मेरे पास रेंज पर आ जाएगा, फोर थ्री ये, और यहां से लिख दिया थ्री फोर फाइव। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं, थ्री आगे लिखते हैं, तो थ्री आगे लिखा तो यहाँ कितना हो जाएगा फाइव। अगर फिर मैंने फोर लिखा तो फोर की जगह मुझे कितना लिखना पड़ेगा, थ्री लिखना पड़ेगा, और फाइव लिखूंगा तो इसका मतलब मुझे फोर लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो चीज है, ये जो परम्यूटेशन था, इसका इन्वर्स हुआ कि नहीं है। अब देखो यहां पर से तो तुमने देखा, वैसे भी ना यही इसका इन्वर्स आया था, मैंने तो इसको अच्छे से लिखा था। तो ये जो थ्री फोर फाइव का जो इन्वर्स आया था वो कितना आया था मेरे पास, फोर फाइव थ्री आया था, या फिर मैं कैसे भी लिख सकता हूँ। तो साइकिल का हम ऑर्डर चेंज करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका इन्वर्स तो किस, कुल मिला के ऐसा हो गया ना, साइक्लिक जो मेरे पास साइक्लिक ग्रुप होता है, जो साइक्लिक परम्यूटेशन होता है, उसका इन्वर्स वही चीज रहेगा, क्लियर हो गया कि नहीं। जैसे साइक्लिक परम्यूटेशन का जो मेरे पास इन्वर्स होगा वो सेम टू सेम वही चीज रहेगी, क्लियर हो गया नहीं। साइक्लिक परम्यूटेशन का जो मेरे पास इन्वर्स होगा वही चीज रहेगी। अब मेरे पास आता है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है, द साइकिल ऑफ लेंथ टू इज नोन एज द ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है ऐसी साइकिल जिसकी लेंथ मेरे पास कितनी होती है, टू होती है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, ट्रांसपोजिशन बोलता हूँ, ठीक हो गया नहीं। अब मेरे पास जो आता है, चलिए अब यहाँ पर से क्या कह रहा है, एक नोट कह रहा है, इफ द परम्यूटेशन थ्री फाइव रिप्रेजेंट्स द परम्यूटेशन ऑफ डिग्री फाइव, डिग्री फाइव का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब वन टू थ्री फोर फाइव एलिमेंट होंगे, फाइव सिंबल होंगे, ऑन द फाइव सिंबल द
देन द करस्पॉन्डिंग परम्यूटेशन विल वी 1 का 1 पर, 2 का 2 पर, क्योंकि 5 है तो इसमें 2, 3 और 5 ही अगर मेरे पास परम्यूटेशन है तो इसका मतलब 3 का 5 पर हो जाएगा, 5 का 3 पर हो जाएगा, पूरा का पूरा परम्यूटेशन बना ऐसे। तो अब मेरे से कह रहा है एवरी परम्यूटेशन कैन रिसॉल्व एज द प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या है, ऐसी ऐसी साइकिल जिसकी लेंथ है कितनी होगी, 2। तो और हर एक परम्यूटेशन को मैं फाइनाइट नंबर ऑफ मतलब क्या फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के रूप में लिख सकता हूँ। तो क्या एक्सप्रेस द परम्यूटेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, सबसे पहले तो उनको डिसजॉइंट साइकिल के रूप में लिखो, फिर एक्सप्रेस द ईच साइकिल एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो इसका मतलब क्या, चीजों को अच्छे से समझते हैं। जैसे मेरे पास मान लीजिए एक परम्यूटेशन ऐसा है, तो इसको सबसे पहले तो डिसजॉइंट साइकिलों के रूप में लिखो गया, डिसजॉइंट साइकिलों के रूप में लिखता हूँ तो देखते हैं 1 का 2 पर है, 2 का 3 पर, 3 का 1 पर है, 1 का 1 पर है, तो इसका मतलब एक साइकिल बनी मेरे पास 1 2 3, अगली मेरे पास बनी 4 का 5, 5 का 4, एक साइकिल बनी मेरे पास 4 5, अब ये 6 तो मेरे पास एक 6 का 6 पर, और मैं 6 को तो वैसे भी हटा देता हूँ, 6 मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। तो अब सुनो, फिर अब इसको ट्रांसपोजिशन में लिखना है, इस 1 2 3 को ट्रांसपोजिशन में लिखना है। तो देखो 1 2 लिखूँ, सबसे ऐसे लिखूंगा 1 को 2 के साथ लिखूंगा, फिर इस 1 को 3 के साथ लिखूंगा, आई नहीं बात समझ में। ट्रांसपोजिशन में ट्रांसपोजिशन हम ऐसे लिखते हैं, एक बार और हम चीजों को समझ लेते हैं। अगर मेरे को मान लीजिए ट्रांसपोजिशन लिखनी है, जैसे मैंने लिख दिया भैया 1, एक साइक्लिक परम्यूटेशन है 1 2 3 4 5, मेरे पास एक साइक्लिक परम्यूटेशन है, तो इसमें ट्रांसपोजिशन कितने बनेंगे, सबसे पहले 1 2 बनेगा, फिर इस 1 के साथ 3 आ जाएगा, और मेरे पास कितना जाएगा, 1 के साथ 4 आ जाएगा, और 1 के साथ 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, इस टाइप से ट्रांसपोजिशन दो दो के रूप में लिखना। तो यहाँ पर से एक चीज़ बनी, जितने लेंथ की साइकिल होगी उससे कम नंबर का मेरे पास क्या आएंगे, ट्रांसपोजिशन आएंगे। जैसे तीन तीन लेंथ की साइकिल थी तो मेरे पास जो ट्रांसपोजिशन बने वो 1 2 बना, और मेरे पास कितना बना, 1 और 3 बना, क्लियर हो गया। अब मेरे पास आता है इवन एंड ऑड परम्यूटेशन। इवन और ऑड परम्यूटेशन क्या होता है मेरे पास, देखो अ परम्यूटेशन इज सेट टू बी इवन और ऑड अकॉर्डिंग एज द एक्स एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ इवन और ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। अब देखो अगर मान लीजिए कोई परम्यूटेशन है, उसको मैंने ऑड ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट ऑफ ऑड ट्रांसपोजिशन के रूप में लिख दिया, तो इसका मतलब वो तो कहलाएगा ऑड परम्यूटेशन। कोई इवन परम्यूटेशन कब कहलाएगा, जब परम्यूटेशन को मैं इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के रूप में लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये परम्यूटेशन है मेरे पास, ये पर मैं इसके ट्रांसपोजिशन को मैंने कि यहाँ पर ट्रांसपोजिशन का नंबर आया, वो कितने हैं ट्रांसपोजिशन मेरे पास, 1 2 3 है, 3 ट्रांसपोजिशन है, तो इसका मतलब ये कैसा परम्यूटेशन कहलाएगा, ऑड परम्यूटेशन कहलाएगा। यहाँ पर को है, तुम आ जाओ यहाँ पर को, जैसे मेरे पास है 1 2, ये है ट्रांस, ये मेरे पास एक परम्यूटेशन था, इसके ट्रांसपोजिशन लिख दिए दो 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 के रूप में, तो कितने ट्रांसपोजिशन आए, 3 3 ट्रांसपोजिशन आई, तो इसका मतलब ये भी मेरे पास क्या होगा, ऑड ट्रांसपोजिशन, क्लियर। तो इतनी बातें हैं, अब आगे को बढ़ते हैं। एक अब परम्यूटेशन, परम्यूटेशन मेरे पास कौन सा, हाँ एक मेरे पास आती है सायले थ्योरम। सायले थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सायले थ्योरम, अगर आपको सायले थ्योरम का थ्योरम समझनी है तो कमेंट कर दीजिए, मैं थ्योरम को समझा भी दूंगा। बस हमारे एलटी के लिए तो हमारी इसकी स्टेटमेंट ही काफ़ी है। स्टेटमेंट क्या कहता है, एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमोर्फिक टू द परम्यूटेशन ग्रुप। कोई भी ग्रुप जी है ना, फाइनाइट ग्रुप जी है, वो आइसोमोर्फिक होगा किसके, आइसोमोर्फिक क्वेश्चन दे देगा, एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमोर्फिक टू द परम्यूटेशन ग्रुप। परम्यूटेशन ग्रुप के क्या होता है, आइसोमोर्फिक होता है। तो अगर आपने इस पर भी इस क्वेश्चन को समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आज आपके लिए क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स, इसका मेरे से कह रहा है इनवर्स निकालो, तो बताओ कैसे आ जाएगा इसमें इनवर्स। क्वेश्चन है मेरे से, ये देखिए पहले 9th क्वेश्चन है, आप 9th क्वेश्चन खुद ब खुद बनाएंगे, ए इंटू बी निकालना है और बी इंटू ए निकालना है। अब मेरे से क्या कह रहा है, इसका इनवर्स निकालो, कि ये क्वेश्चन है इसका इनवर्स निकालो। मेरे से क्या कहता है, 1 2 3 4 5, और मेरे पास एक कितना, 2 3 1 5 4, इसका मेरे से इनवर्स निकालो। तो देखो इनवर्स निकालने में क्या है, इस नीचे वाली चीज़ को ऊपर ले गया, मतलब ये जो रेंज थी इसको डोमेन में ले गया, डोमेन को मैं कहाँ लाया, रेंज में लाया, तो यहाँ से तो जाएगा 2 3 1 5 4। इस मान लीजिए ये परम्यूटेशन ए था, तो इसका जो इनवर्स आया वो मेरे पास कितना आया, और यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो जो मेरे पास जो इनवर्स आएगा, अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। 1 लिखा पहले, फिर लिखा मैंने 2, लिखा 2 1 हो गया, फिर मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा, 5 और कितना हो जाएगा, 4, ये मेरे पास कितना आया, इनवर्स आया। तो देखते हैं हम इनवर्स आंसर सही आया, 1 का 3 पर आ रहा है, 2 का 1 पर है, 3 का 2 पर है, 4 का 5 है, 5 का मेरे पास कितना है, 4 है, ये मेरे पास क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। तो अब आगे को अब हम इम्पोर्टेंट इसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लगाते हैं। तो चलिए फिर अब हम आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन में। आज आज का जो पहला क्वेश्चन है वो मेरे से क्या कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ ग्रुप S3,
एस थ्री हेजोन, इसका मतलब क्या होता है, एक सिमेट्रिकल ग्रुप है जिसमें तीन एलिमेंट हैं मेरे, ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ थ्री सिंबल विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन इज, तो इसका मतलब क्या, कुछ एस थ्री पर कितने एलिमेंट होंगे मेरे पास, सिक्स एलिमेंट होंगे। ठीक, तो अब आगे मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, द ग्रुप एस थ्री, एस थ्री में ग्रुप है, क्वेश्चन नंबर टू, अबव इज, ये मेरे पास क्या होगा, फाइनाइट भी होगा और मेरे पास नॉन एबिलियन ग्रुप होगा, क्योंकि मैं अभी अभी मैंने बात करके आया था, कोई भी परम्यूटेशन के परम्यूट कोई भी सेट के सभी परम्यूटेशन को ही मेरे क्या क्या बोलता हूँ मैं, सिमेट्रिकल ग्रुप बोलता हूँ, और उसको लिखता कैसे हूँ, एस एन के रूप में लिखता हूँ, और वो मेरे पास क्या होता है, नॉन एबिलियन ग्रुप होता है। नॉन एबिलियन मतलब अभी अभी हमने बात की थी कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा था। अगला क्वेश्चन आता है, एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमोर्फिक टू द परम्यूटेशन ग्रुप, हाँ ग्रुप सभी ग्रुप जो होते हैं आइसोमोर्फिक होते हैं किसके, अपने परम्यूटेशन ग्रुप के, तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास चौथा, द परम्यूटेशन कैन आइदर बी ऑड और इवन बट नॉट बोथ, हाँ मैं क्या, ट्रू है, चौथे का भी क्या होगा, ट्रू, क्योंकि परम्यूटेशन जो भी होते हैं वो मेरे पास या तो ऑड होते हैं या फिर मेरे पास इवन होते हैं। क्लियर हो गया। अब आता है अगला, द फाइंड ऑफ इनवर्स, इसका इनवर्स निकालना है, इनवर्स क्या हो जाएगा, ये तो हम खुद कर ही सकते हैं, ये तो आप कर सकते हैं। अब अगला, ए इफ ए एस इफ ए सेट एस कंटेन एन एलिमेंट देन ग्रुप ए एस कंटेन, तो इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिकल सेट, अगर कोई सेट एस है उसमें एन एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस तो उसके सिमेट्रिक कोई सेट है उसमें एन एलिमेंट है, तो उसके सिमेट्रिक ग्रुप में कितने एलिमेंट होंगे, तो इसका आंसर जो होगा वो मेरे पास होगा बी, इसका होगा एन फैक्टोरियल लिखा है, यहाँ एन एल नहीं, एन फैक्टोरियल एलिमेंट। क्लियर। अगर आता है क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ इवन और ऑड परम्यूटेशन इज, अब देखो कोई इवन परम्यूटेशन है और एक ऑड परम्यूटेशन है, तो अगर कोई इवन संख्या को मैं ऑड संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, एक ऑड परम्यूटेशन आएगा, इसका आंसर जो होगा मेरे पास क्या होगा, ऑड परम्यूटेशन होगा, जिसे मेरे पास कह रहा है ऑड, और वही ऑड संख्या को अगर मैं इवन संख्या से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या था, ऑड संख्या, वही चीज है। तो अब आठवां क्वेश्चन आता है, द आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज ऑलवेज, आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज ऑलवेज है, तो इसका मतलब क्या, उसमें जितने भी आइडेंटिटी परम्यूटेशन में मेरे पास जो ट्रांसपोजिशन बनेंगे, आइडेंटिटी परम्यूटेशन है तो इसका मतलब क्या, ट्रांसपोजिशन तो कोई नहीं बने, ट्रांसपोजिशन जीरो बने, जीरो मतलब क्या होती है मेरे पास, कैसी संख्या होती है मेरे पास, इवन, तो इसका मतलब आंसर होगा मेरे पास इवन परम्यूटेशन। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन, लास्ट है, द फाइनाइट एबिलियन ग्रुप इज अ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है मेरे पास, और मेरे से कह रहा है अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, कोई फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, इज डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ, वो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप, कोई फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप। अब एवरी सेट जी इज आइसोमोर्फिक टू द परम्यूटेशन ग्रुप इज कॉल्ड द सायले थ्योरम, एस थ्री तीन एलिमेंट हैं, तो इस सिमेट्रिक ग्रुप देन मेरे पास कितने एलिमेंट होंगे, ऑर्डर ऑफ एस थ्री मतलब एस थ्री के ऑर्डर में, देखो एस थ्री मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास कोई सेट है, सेट उस तीन तीन नंबर का कोई सेट है, तो उस तीन नंबर के सेट में मेरे पास जो तीन नंबर के सेट में जो परम्यूटेशन बनेंगे, जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन होगा, तो वो कितना कहलाएगा, थ्री का फैक्टोरियल। क्लियर। तो आज के मेरे पास एक क्वेश्चन सीरीज और परम्यूटेशन मेरे पास आज की ये वीडियो थी, और आप हमने हमारी वीडियो देखी, आप हमारी वीडियो में बने रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो पर आते हैं, तब तक का के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।